वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी कर दिया है ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित। यहाँ पर कौन कौन से जो मेन पॉइंट पर चर्चा किया गया या यहाँ पर जो मेन पॉइंट दर्शाया गया है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सेम जितने भी यूनिवर्सिटी है, मे बी दुर्गा यूनिवर्सिटी, हेमचंद यूनिवर्सिटी जो है उनका जो रूल रेगुलेशन आया था सेम उसी के प्रकार का इनका भी रूल रेगुलेशन, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड से एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई समय सारणी के अकॉर्डिंग ही आयोजित होंगे। कहा गया है कि आपको जो जो क्वेश्चन पेपर जो मिलने वाले हैं वो 8 बजे के पहले आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे। दूसरी जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कि आपको जो आंसर शीट जो आपका जमा होगा वो एग्ज़ाम के दिन ही आपको जमा करना होगा 12 से 3 बजे तक। अगर आप 3 बजे के बाद आप अपना आंसर शीट आप जमा करने के लिए जाते तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आंसर शीट से संबंधित कि जो आंसर शीट है आपके उत्तर पुस्तिका जो है यहाँ पर कहा गया है परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण परीक्षा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा केंद्र अपनी व्यवस्था अनुसार उत्तर पुस्तिका वितरण हेतु पृथक से निर्देश जारी करेंगे। अब उत्तर पुस्तिका का वितरण परीक्षा केंद्रों द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया जा सकता है। उत्तर पुस्तिका का वितरण दिन बुधवार 13 अप्रैल तक पूर्ण किया जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर फॉर्म फिल किए हैं तो अपने यूज़र आई डी पासवर्ड से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है, वैसे तो पहले एग्ज़ाम सेंटर पहले ही शो करते रहता है, तो एग्ज़ाम सेंटर आप देख लीजिएगा और जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ आप 13 अप्रैल तक अपना जो आंसर शीट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समय सारणी के अनुसार उनके जो संबंधित व्हाट्सएप संबंधित परीक्षा केंद्र में सुबह 8 बजे से परीक्षार्थी द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। आगे हम बात करें इसमें परीक्षार्थियों द्वारा की जमा किए गए उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बंडल बनाएंगे, तो ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए और कौन सा जो यहाँ पर निर्देश जो बताया गया है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र या परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश बताया गया है। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश छात्र प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका में उत्तर अपने निवास स्थान में या महाविद्यालय में लिखेंगे। तो आप या तो इसको घर में बैठकर भी लिख सकते हैं या अपने जो महाविद्यालय है वहाँ पर लिख सकते हैं। जमा कहाँ होगा? आपके परीक्षा जो सेंटर में आपका जो आंसर शीट है वो जमा होगा। वार्षिक परीक्षा 2021-22 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पत्र दिखाकर प्रवेश पत्र में उल्लेखित प्रश्न पत्रों की संख्या के बराबर उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जितने पेपर आपके होने हैं उतने आप आंसर शीट आप कलेक्ट कर सकते हो एग्जाम सेंटर में जा करके। आप अपना जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उनका यूज़ करके आप PRSU.UNIV.IN पर आप जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लेंडेड जो पद्धति से जो परीक्षा परिणाम रहेंगे उसका पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना नहीं होना है। ना हम इसको RTI हम लगाकर सूचना का जो अधिकार लगाकर हम इसके जो कॉपी है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेखित है रूल के अकॉर्डिंग, यदि कोई छात्र COVID-19 से पीड़ित है तो इसकी सूचना आप पहले से ही अपने परीक्षा केंद्र को दे दें और वहाँ पर अपना रोल नंबर, नाम, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम, साथ ही जो COVID-19 की RT-PCR रिपोर्ट है वो भी आप संलग्न करेंगे। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रदान की गई निर्धारित उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखना अनिवार्य है। राइटिंग मैच नहीं होने पर नकल प्रकरण बनाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उत्तर पुस्तिका के संबंध में यहाँ पर कहा गया है, देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका के वितरण के संबंध में वार्षिक परीक्षा 2021-22 में OMR युक्त उत्तर पुस्तिका का वितरण छात्रों के प्रवेश पत्र में उल्लेखित प्रश्न पत्रों की संख्या के अनुसार प्रदान किया जाना है। परीक्षार्थियों के
प्रवेश पत्र के परीक्षण उपरांत ही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उत्तर पुस्तिका का विवरण पंजी में संधारित किया जाए। उत्तर पुस्तिका वितरण के समय वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका को ही प्रदान करें। किसी भी परिस्थिति में सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका का उपयोग वार्षिक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त की गई उत्तर पुस्तिकाओं उपयोग किए या अथवा बिना उपयोग किए परीक्षा केंद्र को वापस करना होगा। अगर आपने 8 कॉपी लिया है, अगर आपने 7 कॉपी में लिख लेते हैं, एक कॉपी आपका बच जाता, तो उसको भी आपको रिटर्न करना है। प्रश्न पत्र के वितरण के संबंध में तो ये पहले ही बता दिया गया है कि आपको प्रश्न पत्र आपके व्हाट्सएप ईमेल आईडी के माध्यम से आपके परीक्षा केंद्र जो परीक्षा केंद्र है या महाविद्यालय के माध्यम से आपको सुबह 8 बजे प्रेषित कर दिया जाएगा, जहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा। यहाँ पर कहा गया समय सारणी के अनुसार परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र जो परीक्षा केंद्र है उसको 7 बजे आप रविशंकर के वेबसाइट पर भी देख पाएंगे, www.prsu.ac.in पर आप 7 बजे आप विजिट कीजिएगा और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित उत्तर पुस्तिका के लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही बताया कि उत्तर पुस्तिका जमा करते समय प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं तारीख का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। परीक्षार्थी निर्धारित समय में उत्तर पुस्तिका ड्रॉप बॉक्स अथवा निर्धारित कक्ष में जमा करेंगे। परीक्षार्थीगण परीक्षा हेतु दिए गए निर्धारित समय की समाप्ति के उपरांत उसी दिन अपराह्न 3 बजे तक अपने प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो है यहाँ पर दिया गया है, परीक्षार्थी लिखित उत्तर पुस्तिका जमा करते समय सुनिश्चित कर ले कि उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर लघु हस्ताक्षर और अंतिम पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर हुआ है कि नहीं है। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र में लिखित उत्तर पुस्तिका को उसी दिन अपराह्न 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें। यहाँ परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र में लिखित उत्तर पुस्तिका, जो हमारा जो लिखित उत्तर पुस्तिका होगा, हम जो उत्तर पुस्तिका लिखेंगे उसको हमें परीक्षा केंद्र में 3 बजे से पहले जमा करना होगा। और अगर जमा नहीं होता है 3 बजे से पहले तो हमें अनुपस्थित माना जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है और ये PDF मैं आपको PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। वहाँ पर इंडिविजुअली यहाँ पर BA भाग 1 2 3 4 इस टाइप का टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।